रुमान आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी ज्यूरिडिक्शन का पॉइंट टेक्निकली है, क्योंकि दिशा सालयान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि दिशा सालयान केस की जांच करे, लेकिन अगर सुशांत और दिशा के केस जुड़ते हैं तो सीबीआई ऑटोमेटिकली जांच कर सकती है, यानी ज्यूरिडिक्शन को लेकर बड़ी थिन लाइन है। ऐसे में क्या दोनों केसेस को जोड़ेगी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या कहती है। राकेश, रुमान से पूछिए और आप भी बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुशांत के केस के लिए जो विशेष एसआईटी दिल्ली से आई थी नुपुर प्रसाद के नेतृत्व में, उसने दिशा सालियान से जुड़े हुए भी कुछ लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन चूंकि वो दिशा के केस की जांच नहीं कर रही है, इसी वजह से जो है सीबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि सुशांत सिंह के अलावा किसी और केस की जाँच नहीं कर रही है। लेकिन अगर सुशांत सिंह केस से रिलेटेड कोई लिंक सामने आएगा तब सीबीआई दिशा केस की भी उसी मामले में जाँच कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीबीआई को किसी तरह से कोई जानकारी मिलती है, नई कंप्लेंट मिलती है, नई जानकारी मिलती है, तो सीबीआई उस मामले में अपनी तरफ से एक पीई प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो घोषित कर सकती है, वो शुरू कर सकती है, और वो पीई आने वाले दिनों में अगर सबूत मिलते हैं तो एफआईआर में दर्ज की जाती है। तो सीधे तौर पर अब देश की जो नजरें हैं वो सीबीआई पर टिकी हुई हैं कि सीबीआई जो न्यूज़ नेशन पर भरोसा करके चश्मदीद यहां पर आया है और न्यूज़ नेशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरे करते हुए तमाम दस्तावेज और ऑडियो वीडियो सीबीआई को सौंप दिए हैं, तो अब पूरे देश की निगाहें सीबीआई पर टिकी हैं कि आखिर वो दिशा को इंसाफ दिलाने में अगर चश्मदीद सच बोल रहा है तो सीबीआई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस पूरे मामले की जाँच करे, तह तक पहुंचे और किस कंडीशन में दिशा की मौत हुई वो पूरे देश के सामने लाए, और अगर दोषी हैं दिशा की मौत के कुछ लोग तो उनके चेहरे भी बेनकाब करना अब सीबीआई की जिम्मेदारी बन गई है। ठीक है, सीधे राकेश, रोहन रॉय, दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिक्रे, क्या आज भी हम इनको ट्रैक कर रहे हैं? क्योंकि कल इनके हर का दरवाजा हमने खटखटाया। शिक्रे घर के अंदर मौजूद था लेकिन बाहर नहीं आया, क्या दिखाता है ये? बिल्कुल, हिमांशु शिक्रे घर के अंदर मौजूद है, क्यों नहीं आकर अपनी बात सामने रखता है। रोहन राय दिशा सलियन का मंगेतर, दिशा सलियन जिसके साथ अपने जीवन के सपने बुन रही थी, जीवन के ताने बाने बुन रही थी, सात फेरों के सपने देख रही थी, वो इस वक्त गायब है। 100 दिन हो चुके हैं, चलिए अभी तक हिम्मत नहीं बधी, लेकिन अब तो हिम्मत बच जानी चाहिए थी। दीपक जी, आप कल से लगातार कह रहे हैं रोहन राय आगे आ जाओ, हम आपका भी, अगर आप जेन्युइन हैं, आपका पक्ष कोई है तो उसे रखेंगे। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, नंबर 4 पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है एविडेंसेस स्क्रीम मर्डर, जस्टिस फॉर दिशा, ये ट्रेंड कर रहा है। इस बात को ये साबित करता है दीपक जी कि लगातार जो बातें हमने कही हैं, जो बातें न्यूज नेशन के जरिए चश्मदीद ने बातें सामने रखी हैं, और हम कल से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आपने भी कई बार कहा कि एक महीने से ये चश्मदीद संपर्क में था, लेकिन ऐसा नहीं कि इसने हमसे संपर्क किया और हमने सीधे इसकी बात को सामने रख दिया, हमने सर्कमस्टेंस के हिसाब से इसकी बातों को जांचा, परखा, प्राइम ऑफिसी इसकी बातें हमें ठीक लगी, उसने ये ठीक बताया कि लिफ्ट से जब आप निकलते हैं तो दाहिनी ओर फ्लैट है, उसने ठीक इस बात का जिक्र किया कि उसकी गाड़ी कहां पर खड़ी थी, उसने ठीक उस गेट का जिक्र किया जहां से उसकी गाड़ी होकर लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती हुई बांद्रा इस की ओर चली गई, उसकी बातों में तालमेल दिखा, जो वो कह रहा था, जो वो तर्क दे रहा था, तार्किक तौर पर उसकी बातें प्राइम ऑफ फेसी फिट बैठती दिखाई दी, इसीलिए हमने उसके इस खुलासे को मंच दिया कि ठीक है आप अपनी बात रख सकते हैं। उसका जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में जो बड़े खुलासे थे, दिशा सलियन के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुआ था, जो उसने बातें कही, जो बातें हम कल से लगातार कह रहे हैं कि न्यूज नेशन कोई जांच एजेंसी नहीं है, हमने उसकी बातों को सुना, समझा, देश के सामने रखा, लेकिन उसकी बातों में कितना दम है, जो कुछ कहा वो क्या सच है, ये जो पीछे दफ्तर है वो दफ्तर तय करेगा, यानी सीबीआई का दफ्तर, सीबीआई के जो बड़े अधिकारी हैं वो तय करेंगे। इसीलिए दीपक जी सील बंद लिफाफे में मैं इसलिए ताकि कोई और दूसरा कर्मचारी उस लिफाफे को ना खोले, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वही उस लिफाफे को खोले, उस पेन ड्राइव को देखें, उस लेटर पत्र को पढ़ें, उस डॉक्यूमेंट को देखें, और उसके बाद वो तय करें कि इनमें कितना दम है, क्योंकि ये एजेंसी सक्षम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवाने के लिए कि जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है उसकी सच्चाई क्या है, ये एजेंसी इस बात को तय करने में सक्षम है कि तार्किकता के आधार पर ये सारी बातें कहां फिट बैठती हैं, ये एजेंसी इस बात में सक्षम है कि दिशा सलियन के साथ जो चश्मदीद दावा कर रहा है क्या वैसा ही सब कुछ हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने कल भी कहा कि नारायण राणे सवाल उठा चुके हैं, नीतीश राणे से आपने बातचीत की, आपको पता है कि नीतीश राणे भी किस तरीके से इस मामले में उन्होंने आवाज उठाई दिशा के लिए, तो ये सारी बातों को जांचने में सीबीआई की टीम, जी
जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन बता दूं राकेश पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और एंकर, रुमानुल्ला खां हमारे वरिष्ठ संवाददाता, सुभाष शिर्के हमारे मुंबई के ब्यूरो चीफ इस वक्त सीबीआई के दफ्तर पर मौजूद है। और मैं बता दूं अपने पैनल को कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एविडेंसेस इन दिशा सालियान केस नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, डालिए इसे।